सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन अनदर व्लॉग। तो आज है KTM का दिन जहां लॉन्च हुई है दिल्ली के अंदर दो बाइक्स, 250 ड्यूक और ड्यूक 390 फोर जनरेशन। तो आज हम आए अपने KTM के शोरूम पे, तो जहां पर हमारी लॉन्च जो अपनी KTM 390 जो नई वाली लॉन्च हुई है वो आपको हम दिखाएंगे इस वाले व्लॉग में। तो काफी टाइम से हम व्लॉग नहीं बना रहे थे, तो आज हम बना रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे सारी की सारी जो हमारी बाइक है जो अपनी 390 ड्यूक लॉन्च हुई है उसके बारे में आज हमको दिखाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारी लोगों वगैरह आए हैं, तो अपने जो एफ आर भाई उन्होंने इन्वाइट किया था, तो आज भी वो दिल्ली में आ चुकी है शोरूम में और उसको लेके आज हम पर्सनल मतलब उसका प्रीव्यू भी दिखाएंगे उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन लिए। ठीक है, तो अब अंदर अभी शोरूम पर जा रहे हैं। तो गाइस, ये है अपना KTM का शोरूम और जो है मोती नगर दिल्ली में, और हम जा रहे हैं इसके अंदर। और अंदर की तरफ जाते हुए एंट्री करते हैं, सामने खड़ी है काफ़ी सारी बाइक्स जो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी KTM RC 390 और अंदर जाते ही जो अभी लॉन्च हुई है ड्यूक 390। तो गाइस, सामने आपको मिल रही है ड्यूक 390 फोर्थ जनरेशन 2024 मॉडल, टू वेरिएंट जो टू कलर में लॉन्च हुए हैं। ठीक है गाइस, ये आपको पड़ती है 3,11,000 रुपीज़ की, जो 15 लीटर इनका टैंक है। ठीक है, इसकी पावर बढ़ा दी गई है, अब 4 BHP और बढ़ा दी गई है। पहले इसकी 43.3 थी और अब बढ़ा दी गई है, इसकी 46.7 ऐसे कुछ मतलब नियर बाय है, लेकिन पावर इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ठीक है, और इसमें आपको साइड में देखने को मिलते हैं मोनोशॉक एडजस्टेबल, फ्रंट का USD फोक है, इसके अंदर टू कूलेंट के अंदर जो कूलेंट है उसके अंदर जो फ़ैन होते हैं वो आपको डबल दे दिए गए हैं। पहले इसमें सिंगल आते थे, अब इसमें डबल दे दिए ताकि हीटिंग की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसे साइड में अपना गार्ड लगा हुआ है, पीछे लेग गार्ड जो होता है पीछे सेफ्टी के लिए, जो पीछे पिलियन बैठता है उसके लिए। तो टू वेरियंट इधर खड़े हुए हैं अपने, और टू के टू सेम है, कलर अलग है बस, और बाकी सब कुछ सेम है। TFT डिस्प्ले है इसकी जो अपना मीटर में आती है, और इसकी सीट्स इसमें ड्यूल ब्लैक सीट है और इसमें ऑरेंज कलर के अलॉय। और साथ में आपको दो बाइक साइड में दिख रही होगी, राइट साइड में जो मेरी खड़ी है ये है 250 ड्यूक। ठीक है गाइस, और ये है 2024 मॉडल, ये भी न्यू एडिशन में है। इसमें थोड़ा बहुत उससे थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन बाकी सब मेरे को सेम ही लगा। इसमें भी साइड में ही एडजस्टेबल शॉकर दिए गए हैं, और इसके भी एग्जॉस्ट अंडर बैली है मतलब इंजन के नीचे जो पहले आते थे ड्यूको में, लेकिन साउंड इनका मेरे को ठीक लगा, बल्कि प्रॉपर मैंने स्टार्ट करके देखी थी। और आ जाते हैं वापस अपने 390 पे ही। तो गाइस, अब हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में डिटेल्स। और जो हमारी ये साइड में एकदम प्लास्टिक का दे रखा है, एकदम 390 जिस पर लिखा हुआ है, और इसके टैंक का भी मेटल की दे दी गई है, और टैंक में भी फंक्शन ज़्यादा दे दिए। और की आप देख रहे हो, और ये मीटर आप देख रहे हो कैसे एकदम लुक एकदम मस्त लग रहा है। TFT डिस्प्ले है इसका, स्टार्ट और ऑन ऑफ करने का बटन इस पर राइट हैंड पे एग्जॉस्ट एकदम न्यू मॉडल में दिया गया है न्यू तरीके से। इसका फ्रंट अलॉय व्हील दिया गया है, वो है 431.8 mm मीटर जो फ्रंट का हैगा, और जो डिस्क है जिसका टायर है, फ्रंट का इसका टायर है वो 110/70/17 है। और इसकी सबसे पहले आप देख सकते हो LED TFT मतलब LED लाइट है आगे। ठीक है, और साइड में आप देख सकते हो इसका फ्रेम है, और साइड में एडजस्टेबल शॉकर है, और पीछे की साइड जो डिस्क है वो आपकी 250 mm है। ठीक है गाइस, और पीछे का जो रियर टायर है वो आता है आपका 150/60/17 का। ठीक है गाइस, और जो अलॉय व्हील है वो तो बड़ा हो ही गई, और अलॉय व्हील ठीक है गाइस, और इसका भी जो टायर साइज आपको मैंने बताई दिया पहले ही। और ड्यू चैलेंज ABS है इसमें, और फंक्शन स्विंग आर्म है इसके अंदर भी पीछे लगा हुआ है, और टेल लाइट्स है ये सब LED है, और इसका टायर भी काफ़ी ग्रिपेबल है, मतलब जब आप लेट के या लीन करके चलाओगे तो मस्त चलेगी बाइक अपनी वाली। और साइड में अपने को ये गार्ड दिया गया है ताकि जो रियर पर जो बैठता है बंदा उसके मतलब जो भी लेडीज़ वगैरह हमारे फैमिली वगैरह बैठे हैं इंडिया में, तो उनके पैर वगैरह या फिर चुन्नी वगैरह ना फंसे। और अपना गियर लीवर दिया गया है, इसमें 6 गियर है, पहले डाउन बाकी अप, और चैन पॉकेट है इसमें, ये अपना गार्ड के लिए ही होता है, और ताकि और ये जो अपने सीट दी गई है ये काफ़ी कुशनिंग है, पीछे वाले बैठने के बैक पे दर्द नहीं होगा, और आगे वाले तो और कंफर्टेबल है, और ऑरेंज कलर में दी गई है तो और बेस्ट है। तो साथ में हमें ये मिलता है TFT डिस्प्ले, और इसमें साइड में हैंडलिंग में अपने फंक्शन है काफ़ी सारे, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन इसमें काफ़ी सारे, और 3-4 इसमें मोड दिए गए हैं, और यहाँ से आप पहले इसको ऑन करेंगे फिर नीचे आप इसको सेल्फ दबा के स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें एक मोड अच्छा लगा मेरे को, रेड कलर का जो बटन है साइड में जिसमें 4 इंडिकेटर जलेंगे। ठीक है गाइस, और फ्रंट पर हम आ जाते हैं अपनी जो अभी साइड में एक जो न्यू लुक में हमारी मतलब न्यू कलर में बाइक खड़ी है ड्यूक 390, इसको देखने के लिए। तो इसमें हम आपको दिखा देते हैं, इसमें भी सारा कुछ सेम ही है। ठीक है, और इसके इंडिकेटर भी सारी कुछ सेम है, इसमें भी LED दे रखी है, इसमें लेग गार्ड भी है ताकि आप गिरो विरो तो लगे ना। ठीक है, इसमें भी सब कुछ सेम ही है, मतलब दोनों बाइक तो एक्चुअली सेम ही है, और इसमें भी सब कुछ सेम ही दे रखा है क्योंकि बस कलर का चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें बस सीट्स ब्लैक है, और इसमें आपको इसका मीटर चला के दिखाया था, उसका भी मीटर वैसे सेम है,
रेड टू रेस आ जाता है, उसकी टॉप स्पीड 180 है और उसमें 3-4 मोड है, मतलब 3-4 मोड है इसमें, रेन मोड, स्पोर्ट्स और इको मोड, तीनों है जैसे मर्जी। मैंने बैठ के देखा था इस पर, ये स्पोर्टी लुक है, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे आगे से उठा के चला दो उसको, स्टंट तुरंत ही व्हीली मार दूँ। और उसमें भी डिस्प्ले जो हमें दी गई है वो है अपनी 320mm की और 4.5mm का इसका अलॉय है, ये लिखा हुआ है गाइस। और साथ में ही हमें मिलती है फ्रंट की ABS सिस्टम, जो पीछे भी रियर में भी ABS सिस्टम है, ड्यूल चैनल है और इसका टायर साइज़ है 110/70/17, ठीक है गाइस, जो फ्रंट में आता है। और इसके हम कर लेते हैं इंजन की बात, जो है 399cc सिंगल सिलेंडर 4-वॉल लिक्विड कूल्ड डी एफ आई डी ओ एस सी, जो 46 PS पावर जनरेट करता है, पहले थी 44-43 के आसपास, और इसकी मैक्सिमम टॉर्क पावर है 39 Nm, जो प्रोड्यूस करती है 6500 RPM, ठीक है गाइस। और इसका अंडरबैरी एग्जॉस्ट दे दिया गया है दोबारे, उसका साउंड भी आपको एकदम मस्त मिलेगा। और साइड में आपको ये वाइट कलर का शॉकर मिल रहा होगा, जो मोनो शॉकर है वो है एकदम एडजस्टेबल, आप एडजस्ट कर सकते हो और भी कंफर्ट आपको फील होगा। रेडिएटर इसमें दे रखा है साइड में ही, राइट साइड में जो पहले आता था मीटर की साइड में। और साथ में आपको देखने को मिल रही है ये अपनी 250 बाइक, और इसमें भी सब कुछ सेम ही लगेगा आपको, थोड़ा बहुत चेंजिंग है इसमें भी, ठीक है गाइस। और फ्रंट में आपको ये डिस्क देखने को मिल रही होगी, ये भी 320mm है फ्रंट की, जो है वो सेम ही ड्यूक 390 की हैगी, और इसमें अलॉय भी सेम ही है, और इसमें फ्रंट का मरकार्ड भी सेम है, जो फ्रंट की इसकी शॉकर है वो भी सेम है 390 का, लेकिन इसके अंदर जो LED है उसमें चेंजेस दिए गए हैं थोड़े बहुत, और मीटर भी इसका सेम ही दिया गया। जो फ्रंट मरकार्ड है वो प्लास्टिक का है, और जो LED है इसकी एकदम बढ़िया है, और जो फ्रंट के शॉकर है वो भी अप डाउन है, ठीक है गाइस। और अलॉय व्हील भी एकदम सही है, इसके ब्लैक कलर में आते हैं, इसके टू कलर है, एक वाइट में और एक वैसे, जो वाइट में है ड्यूक 250 वो। चलो बात करते हैं हम अब इसकी, तो इसका टैंक है वो आता है 15 लीटर, और साइड में आपको लैग गार्ड इसमें मिल जाता है देखने को, जो कि हम अपनी तरफ से दिए। उसका CC इंजन है, 250 गियर लीवर भी आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। और ये आपको सैडल में अपना बैक साइड में सेफ्टी के लिए मिल जाता है, ताकि पीछे का बंदे का प्लेन जो बैठ रहा है उसका सेफ रहे। जो उसका टायर जो इसका बैक रियर टायर है वो 150/60/17, और जो फ्रंट का 110/70/17 है, ठीक है। और बैक साइड से आप देख सकते हो इसमें भी ग्रिपेबल है, ठीक है। सब कुछ मेरे को सेम लगा, बस थोड़ा बहुत कलर है। ये भी ड्यूल डिस्क में आती है, इसका भी जो रियर डिस्क है वो भी 250mm की है, और उसके ABS के साथ दी गई है, ठीक है गाइस। और ये जो टायर है, और आप पीछे की कुशनिंग सीट देख सकते हो, इसकी भी सेम है, लेकिन इसके थोड़े बहुत मीटर में फ़र्क है, जो 390 का मीटर वो थोड़ा अलग है और इसका थोड़ा सा अलग है, ठीक है गाइस। मेरे को पहले तो मेरे को सेम लग रहा था, लेकिन मैंने अब थोड़ा देखा प्रॉपर तो थोड़ा बहुत अलग लगा, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस तो देंगे, 390 वाली चीज़ें सब 250 में दे देंगे तो बंदे 250 ही खरीदेंगे, ठीक है गाइस। तो इसका टैंक भी 15 लीटर है, और फ्रंट से आप इसकी लुक देख सकते हो कैसी है। और इसका भी शॉकर जो है एडजस्टेबल है, जो फ्रंट है वो USD फोक है, और पीछे का जो है वो डिस्क जो है मोनोशॉक है, प्रीलोड एडजस्टेबल है, उसको एडजस्ट कर सकते हो आप। एक कलर इसका यहाँ पर खड़ा हुआ है 250 का वाइट में, और अंडर बैली एग्जॉस्ट देख सकते हो आप। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसकी जो PS पावर है वो है 31 PS पावर, जो प्रोड्यूस करती है 7000 RPM पे, ठीक है गाइस। जिस किसी को भी लेनी हो तो दिल्ली तो मोतीनगर में ही अभी अवेलेबल है, आके बुकिंग करा लो, या फिर ले भी सकते हो पर डे पे आके आप, ठीक है गाइस। और बाकी अपने अपने स्टेट में जो KTM शोरूम में आप जाके विजिट कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगी लेने के लिए, आप बुक कर सकते हो और ख़रीद भी सकते हो ऑन द डे, क्योंकि ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि वेटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, जाके आप ले सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस बाइक्स मैंने आपको दिखा दी है सारी सारी, और डिटेल्स मैंने दे दी है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, बाय बाय। होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, और रब रखा।